You are watching Channel Y, Channel Y, a South Asian Canadian channel. आप सबके सामने सारी चीजें रखूंगा और ये प्रूव हम लोग कर देंगे कि कैसे बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए, कलंकित करने के लिए और इस फार्म यूनियंस के जो नेतागण हैं, जो लीडर्स हैं, उनको फंसाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा और कैसे कैसे बीजेपी के अपने लोग, बीजेपी के आइडेंटिफाइड लोग जिनकी पहुंच सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक है, देश के गृह मंत्री अमित शाह तक है, वो लोग इस पूरे मार्च को लीड कर रहे थे। उन लोगों ने लाल किले पर जो हुआ वो उन लोगों ने किया और उन लोगों ने इसको, पूरी वारदात को अंजाम दिया। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं ये तस्वीर। ये तस्वीर 7 रेसकोर्स रोड की, 7 लोक कल्याण मार्ग, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है, प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस है। और इसमें एक तरफ प्रधानमंत्री जी के इस तरफ सनी देओल, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो खड़े हैं, और प्रधानमंत्री जी की उस ओर वो शख्स खड़ा है जिस शख्स ने कल उस वारदात को अंजाम दिया। वो शख्स खड़ा है जिसने इस पूरे आंदोलन में इन्फिल्ट्रेट कर इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये सारी साजिश रची। जो शख्स खुद लाल किले पर मौजूद था और जिसकी अगुवाई में जो लाल किले पे घटा, जो तस्वीरें, जो वीडियोस हम सब ने देखे, वो इस व्यक्ति की अगुवाई में हुआ है। इस व्यक्ति का नाम है दीप सिद्धू। ये प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और प्रधानमंत्री जी का कोई बहुत बड़ा प्रशंसक क्यों ना हो, मोदी जी का अंधभक्त क्यों ना हो, वो भी 7 रेसकोर्स रोड, 7 लोक कल्याण मार्ग, यानी कि देश के प्रधानमंत्री के निवास स्थान के भीतर नहीं जा सकता, अंदर नहीं जा सकता। हाई सिक्योरिटी एरिया है और बिना उनकी अनुमति के कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं जा सकता। यानी कि बहुत पहुंचा हुआ भारतीय जनता पार्टी का नेता, उनके स्लीपर सेल में काम करने वाला व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी के घर तक पहुंचकर उनके साथ मुस्कुराते हुए, उनके साथ खड़े होकर चिपक कर फोटो खिंचवाना, ये बहुत बड़ी बात है। यू आर वॉचिंग चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल।